दोस्तों, जो दो बेसिक गलतियां जो आप बेंच प्रेस पे करते हैं, खास तौर से फ्लैट बेंच पे, जिसकी वजह से आप ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर पाते और आपको पीक कॉन्ट्रेक्शन भी नहीं मिलता जितना होना चाहिए। तीसरा, थोड़ा सा आपके पेक्टोरल मसल के ब्रेक होने के चांसेस, जो इंजरी आप देखते हैं ना, पेक्टोरल मसल यहाँ से ब्रेक हो जाता है, उसके चांस भी बढ़ जाते हैं जब आप बेंच प्रेस को इस तरीके से करते हैं। एक तो आपने अपनी लेग्स को फ्लैट कर दिया और फिर बार को आप एल्बो आपकी ये इस पोजिशन में बाहर की तरफ, जैसे मैंने इस बेंच प्रेस में दिखाया है, फ्लैट बैक करने से आपको चेस्ट ऊपर नहीं आया, आपका पीक कॉन्ट्रेक्शन कम मिलेगा, आपका जो पैक्स है वो स्ट्रेंथ पूरी नहीं लगा पाएंगे, आपका डेल्टा भी कम यूज होगा, तो आप हैवी बेंच प्रेस नहीं कर पाएंगे। और ये जो पोजिशन है ना, एल्बो बिल्कुल आउट आपकी, इसमें ही आपका यहाँ पे स्ट्रेन आता है और इसकी वजह से ही कभी ना कभी आप इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जब भी आपका मसल डिहाइड्रेट होगा। अगर आपको हैवी बेंच करनी है, सेफ रखना है अपने आपको, कॉन्ट्रेक्शन आपको ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा अपना ये बैक का मसला ना, इसको ऐसे शोल्डर ब्लेड्स को मिला के और फिर आपने बार को लिफ्ट करना है, एल्बो थोड़ा अंदर कर लेंगे आप ऐसे, ये जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, एल्बो थोड़ा अंदर टक करके और फिर आप बेंच प्रेस लगाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा पंप भी आएगा, ज़्यादा वेट भी उठा पाएंगे और ये सेफ भी आपके लिए। तो बड़ी छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है, आप बिगनर्स खासतौर से गलतियाँ करते हैं, आप इसको दो तीन बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती है। थैंक यू।